with the हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और होप यू आर डूइंग गुड। और ये वीडियो जो है मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी ऑयल पेस्टल स्टार्ट किया है, जैसे जो स्टूडेंट जो स्कूल में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं जो ऑयल पेस्टल से कुछ अच्छा आउटपुट लाना चाहते हैं। तो मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा मैं, जो हर एक बिगनर को ये प्रॉब्लम होती है, हर एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, जिससे कि एक कुछ टेक्निकल चीज़ें अगर वो मालूम हो जाएंगी तो फिर उनको कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो जैसे कि मैं कुछ इस वीडियो में 5 पॉइंट कवर करूँगा मैं, और ये 5 पॉइंट अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो फिर आपको आउटपुट बहुत ही अच्छे ही आएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बिगनर्स और स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए, अगर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मेरी कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने 5 पॉइंट्स तैयार किए हैं। जैसे कि पहला है कि आप ऑयल पेस्टल को कैसे होल्ड करें, आप कैसे होल्ड करते हैं और कितना दूरी पे होल्ड करते हैं, जो पेपर पे चलने के बाद उसका इफ़ेक्ट कैसे आएगा। और दूसरा पॉइंट है साइड ऑफ द पेज, कौन से साइड से, अगर आप कोई भी ड्राइंग बुक लेते हैं या फिर कोई पेपर लेते हैं तो उसके 2 साइड्स होते हैं, तो एक रफ़ साइड होता है और एक प्लेन साइड होता है, तो आपको कौन से साइड से करनी चाहिए ये मैं कवर करूँगा। और थर्ड पॉइंट है एजेस, जैसे कि हमें कुछ शार्प एजेस लेने पड़ते हैं ड्राइंग के लिए, जैसे कि अगर वॉल है, ट्री है, तो इसमें हमें एक शार्प एज चाहिए। लेकिन अभी क्या है, ऑयल पेस्टल में वो बिल्कुल ही राउंड शेप हो जाता है ड्राइंग करते करते, तो फिर उसको हम कैसे एजेस ला सकते हैं, कैसे उसको हम एक फाइन ट्यून कर सकते हैं उसके। और हमारा फोर्थ है मिक्सिंग का, जैसे कि हमने क्लाउड बनाया है, जैसे हमने ट्री बनाया, उसके वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे वो डार्क, मीडियम, लाइट, तो उसको कैसे हम मिक्स करेंगे जिसका इफ़ेक्ट अच्छा है और वो कैसे हमारे बैकग्राउंड से ही अलग दिखे। तो कलर का चूज़ भी वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमने बैकग्राउंड में ब्राइट कलर्स लिए, अगर हम फ्रंट में भी, अगर फोरग्राउंड में भी अगर ब्राइट कलर्स लेते हैं तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो एक अच्छा इफेक्ट नहीं आएंगे। तो वो मैं इस वीडियो से बताऊँगा आपको कि कैसे आप इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को। और फिफ्थ है कि आपने कितनी भी अच्छी पेंटिंग बना ली है, कितनी भी अच्छी ऑयल पेस्टल से आपने इफेक्ट लाया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन आप इसको कैसे रखें, अगर आपने ड्राइंग बुक में रखा तो दूसरे पेज से कैसे समझ ना हो, तो उसको कैसे सेव रखें, तो ये मैं आप कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम आपने अगर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएँ और आगे आने वाले वीडियो का फ़ायदा उठाएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 टेक्निक्स हैं ऑयल पेस्टल्स के लिए, जो बहुत ही नेसेसरी है और बेसिक लेवल पे आपको ये सब आनी चाहिए और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि पहला जो टिप्स है वो है होल्ड करने का, कि आप ऑयल पेस्टल को कैसे होल्ड करते हो, कितना डिस्टेंस पे होल्ड करते हो। तो ये जो एज ए बिगनर मैं बता सकता हूँ कि अगर आप बिगनर हो तो फिर आप पेंसिल या फिर आप ये जो ऑयल पेस्टल है उसको आप इतने डिस्टेंस से होल्ड करें जिससे आपको ये इसको कंट्रोल करने में इजी हो। और ये भी है कि आप इसको पेज पे हाथ को पूरा ना रखें, इसको हवा में ही रखें, और क्योंकि इससे आपको एक मिलता है कि आप जितना दूर आप चाहते, रिच आपका रिच का जो डायमीटर है वो पूरे पेज पे रहता है, नहीं तो अगर आप रफ दोगे तो एक लिमिटेड एरिया रहता है। तो और ये होगा आपका होल्डिंग का। और दूसरा है आपका साइड ऑफ द पेज, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि पेज के 2 साइड होते हैं, जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग बुक हो या सेपरेट एक पेज भी लेते हो आप ड्राइंग के लिए, तो उसमें एक प्लेन साइड होता है और एक रफ़ साइड होता है, जैसे आप देख सकते हैं रफ़ साइड है और एक प्लेन साइड, तो हमें प्लेन साइड चूज़ करना होगा जिससे आपका स्मर्जिंग के लिए ईजी हो। तो ये हो गया आपका, जैसे आप देख सकते हो, और थर्ड जो पॉइंट है वो है एज, जैसे कि हम अगर बहुत सारे ऑयल पेस्टल्स यूज़ करते हुए वो उसके जो एजेस देखोगे आप तो वो राउंड शेप में हो जाता है, और आपको कोई जैसे आपने कोई या तो आपने
हार्ट बना है, तो उसके एजेस को आपको कलर करना होगा। तो ये जो है ये फैल जाता है, तो उसको एजेस शार्प नहीं आ पाते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर आपको ड्रॉ करना है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उसको इतनी दूर के लिए कट कर सकते हो। आप जब आप कट करोगे तो आपको जो एजेस हैंगे बिल्कुल शार्प मिलेंगे। तो आप इस शार्प एज से आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही एक शार्प एज मिल रहा है। ऐसा नहीं होने से प्रॉब्लम ये होती है कि एक कलर दूसरे कलर में स्मर्ज हो जाता है। जैसे कि आप अगर राउंड शेप में करते हैं तो अगर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड मर्ज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसे एक एक लाइन आप बना सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है आपका मिक्सिंग। मिक्सिंग मीन्स कि आप जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को आप कैसे अलग करेंगे उसके लिए। जैसे कि आप अगर कोई लाइट बैकग्राउंड लेते हैं तो फोरग्राउंड आपका थोड़ा डार्क होना चाहिए, ये एक कंट्रास्ट मिलनी चाहिए, वरना एक बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है इमेज। जैसे आपने एक माउंटेन बनाया और अगर आपने स्काई ब्लू से, सबसे पहले तो आप इसका एज पे कलर कर दें जिससे कि कलर फैले नहीं। आप देख सकते हो कि बहुत सारे बिगनर्स ऐसे हैं जो उनको प्रॉब्लम ये होती है कि कलर जो है वो फैल जाता है, तो आप डायरेक्ट लेके कलर करना चालू कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो कलर्स माउंटेन पे भी आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहला जो रूल है वो है कि आप उसका एज को पहले कलर कर दें जिससे कि वो सेपरेट हो जाए। तो ये आप देख रहे हो कि स्काई ब्लू से मैंने इसका स्काई का सॉफ्ट हैंड से इसको कलर किया। बैलेंस इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने जहाँ से भी अगर एक पैच भी अगर बीच में आ गया ना, आपने हार्ड अगर लाइन बना दिया इसमें तो उसमें एक पैच आ जाता है, तो इसलिए एक ही बैलेंस रखे अगर पूरे इमेज पे तो ऐसा आएगा। अब जैसे अगर मैंने इसको इसको अगर मैंने ब्लू से किया तो फिर माउंटेन वगैरह बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लू से ही रिलेटेड कोई कलर लेंगे, तो मुझे इसमें कोई एक कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं इसमें ब्राउन से करूँगा। अब इसमें भी एक लाइट डायरेक्शन होता है जिसमें कि माउंटेन पे आपको लाइट पड़ेगी। अगर ये डे टाइम है तो हम जनरली येलो का यूज़ करते हैं, तो हाफ से ऑलमोस्ट 70% तक हम ब्राउन को ही यूज़ करेंगे और नीचे से डार्क रखेंगे। इससे एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखता है और 3D लुक आता है। और फिर उसके बाद हम इसको येलो से इसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि हमारा सन का डायरेक्शन कौन सी साइड से है। तो ये हो गई है आपकी मिक्सिंग। आप देख सकते हो कि येलो कलर से मैंने उसके ओवरलैप किया। अगर आप हार्ड एजेस देते हो
तो उसमें सेपरेट दिखने लगते हैं, दोनों कलर्स ब्लेंड नहीं हो पाते। ये ब्लेंड करने के लिए ही आपको सॉफ्ट हैंड से बनाना पड़ेगा। फिर आप येलो का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन देने के लिए। तो ये कलर का इम्पोर्टेंस भी बहुत होता है कि आप कौन कौन से कलर ले रहे हैं, और इसकी मिक्सिंग भी बहुत ज़रूरी है जिससे वो ब्लेंड हो पाए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और जो लास्ट पॉइंट है कि जब आपने कितनी भी अच्छी पेंटिंग बना ली हो, कितनी भी अच्छी आपने ऑयल पेस्टल से बनाया हो, जनरली ऑयल पेस्टल में क्या होता है कि इसके जो कलर्स होते हैं वो अलाइव रहते हैं, और वो अगर आप ड्राइंग बुक में रखते हो या फिर अलग सेपरेट पेज में भी रखते हो, उसके ऊपर सेव करने के लिए कोई भी आप पेपर रखते हो तो उसमें स्मर्ज होता है। तो अगर ऐसे हम लोगों ने इसको रखा तो ये स्मर्ज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आप बटर पेपर ले सकते हो, या फिर कोई एक न्यूज़पेपर का एक इसके साइज़ का कट करके आप उसमें बीच में लगा दिया तो एक पेज से दूसरे पेज में इसका जो इम्प्रिंट है वो नहीं आता है। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, और आपको पसंद आए तो कमेंट करें, और अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ का भी फ़ायदा उठाएँगे। थैंक यू।